नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूब डी पे। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप बीए प्रोग्राम और बीटेक एक साथ कर रहे हैं, बीबीए और बीएससी एक साथ कर रहे हैं, बीसीए और बीकॉम एक साथ कर रहे हैं, मतलब ऐसे जो भी दो मेन कोर्सेज हैं, मेन डिग्री कोर्सेज हैं, वो आप एक साथ कर रहे हैं। आई होप ऐसा किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ऐसे दो मेन कोर्सेज आप एक साथ कर पाएंगे। कुछ लोग करते हैं लेकिन वो लीगली वैलिड नहीं होते यार, मतलब इलीगल होते हैं। अगर वो पकड़े जाएं तो आपकी दोनों डिग्रीज कैंसिल हो जाती है और आपके ऊपर पुलिस केस या फिर जो भी लीगल एक्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यूजीसी की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट है, इसीलिए हम यूजीसी की वेबसाइट पे हैं। यूजीसी ने लीगली अलाउ कर दिया है कि आप दो मेन डिग्री कोर्सेज एक साथ कर सकते हैं। चलिए एक बार गाइडलाइंस में जाते हैं फटाफट और देखते हैं कि भाई क्या गाइडलाइंस है यूजीसी की तरफ से। सो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गाइडलाइंस फॉर परसुइंग टू एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, मतलब अगर आपको दो डिग्री कोर्सेज एक साथ करने हैं तो उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो यूजीसी ने जारी कर दी है। ये बैकग्राउंड दे रखा है, इसमें जो क्रक्स है वो ये है कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए स्टूडेंट्स को डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं ताकि वो एक साथ डिफरेंट स्ट्रीम्स को ट्राई कर सकें। आप डाउनलोड करके पूरा पढ़ लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अभी हम डायरेक्ट चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ, जो है कि गाइडलाइंस। अगर दो कोर्सेज आपको करने हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। गाइडलाइंस में फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप दो कोर्सेज आप फिजिकल मोड में साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपकी क्लास का टाइम टेबल है वो लैप्स नहीं होना चाहिए, मतलब एक साथ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप अगर दिन में एक कोर्स कर रहे हो मॉर्निंग कॉलेज से तो दूसरा कोर्स आप इवनिंग कॉलेज से कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोनों कोर्सेज मॉर्निंग कॉलेज से ही कर रहे हो और आपके जो टाइम है क्लासेस का 10 से 3 एक का है, 11 से 4 दूसरी क्लासेस का है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लास के टाइमिंग्स जो है वो लैप्स नहीं होने चाहिए। सेकेंड ये है कि स्टूडेंट कैन परस्यू टू एकेडमिक प्रोग्राम्स, वन इन फुल टाइम फिजिकल मोड, मतलब आप फिजिकल मोड में एक कर सकते हैं, दूसरा आप ओपन से कर सकते हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड या ऑनलाइन मोड। मतलब दिन में 10 से 3 आप एक कर रहे हैं और उसके बाद आप ऑनलाइन मोड में घर आने के बाद कोई सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, या फिर आप मंडे टू फ्राइडे एक कर रहे हैं, उसके बाद सैटरडे संडे को आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से दूसरी कोई डिग्री परस्यू कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। सेकेंड है, या फिर आप दो ओपन से डिग्री कर सकते हैं साथ में, मतलब सैटरडे संडे वाली दो कर रहे हैं, एक मंडे ट्यूसडे को क्लास लग रही है, एक सैटरडे संडे को लग रही है, वो आप कर सकते हैं, या फिर आप दो ऑनलाइन क्लासेस साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लास आप ओपन से कर रहे हैं, एक क्लास आप ऑनलाइन ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल लीगली वैलिड होगा। फ्रेंड्स, आई होप बातें थोड़ी क्लियर हो रही हैं कि आप दो डिग्रीज एक साथ कर सकते हैं, एक फिजिकल मोड में, एक ऑनलाइन या ओपन डिस्टेंस मोड में। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाती है तो आप कमेंट करके हम मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में यह है कि अगर आप कहीं से डिग्री और डिप्लोमा कर रहे हैं ऑनलाइन या ओपन मोड में, तो जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है HEI, वो रिकोगनाइज होना चाहिए, यूजीसी के द्वारा रिकोगनाइजेशन होनी चाहिए, स्टेचुएटरी काउंसिल, मतलब किसी ना किसी एक्ट के द्वारा होना चाहिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकग्नाइज होना चाहिए ओपन या ऑनलाइन मोड में कोर्सेज करवाने के लिए। मतलब ये है कि उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो ऑनलाइन मोड में आपको पढ़ा करके सर्टिफिकेट दे, और वो सर्टिफिकेट लीगली वैलिड होनी चाहिए। ये नहीं कि वो ऐसे ही फर्जी में आपको सर्टिफिकेट दे दे रहा है, वो ऑथराइज ही नहीं है यूजीसी के द्वारा या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, डिग्री और द डिप्लोमा अंडर दीज गाइडलाइंस शैल बी गवर्न बाई द रेगुलेशन नोटिफाइड बाई द UGC, एंड मतलब कि UGC की जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग आपकी डिग्री और डिप्लोमा होने चाहिए, एंड ऑल्सो द रेस्पेक्टिव स्टेचुएटरी प्रोफेशनल काउंसिल वेयर एवर एप्लीकेबल, या फिर जो भी अदर रूल्स वगैरह हैं वो एप्लीकेबल होने चाहिए, ये वो। ये पॉइंट ज़्यादा काम का नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दीज गाइडलाइंस शैल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन बाय द UGC। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो गाइडलाइंस हैं आज 13 तारीख को UGC ने जारी की थी, तो 13 तारीख के बाद ये लागू होंगी। नो रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड बाय द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी डन टू एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली प्रायर टू द गाइडलाइन प्रायर टू द नोटिफिकेशन ऑफ दीज गाइडलाइंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप 13 तारीख से पहले ही दो डिग्री एक साथ चालू कर चुके हैं या फिर खत्म कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं,
और फिर आप ये क्लेम करते हैं कि अब तो वो लीगली वैलिड हो गई हैं, यूजीसी ने खुद गाइडलाइन जारी कर दी हैं, तो वो आपकी वैलिड नहीं मानी जाएंगी दोनों डिग्रीज अगर आपने एक साथ की हैं। तो जो डिग्रीज आपकी वैलिड मानी जाएंगी वो 13 तारीख को गाइडलाइंस आई हैं, 13 तारीख के बाद अगर आप डिग्रीज स्टार्ट करेंगे तब वो लीगली वैलिड मानी जाएंगी, नहीं तो आपकी डिग्रीज लीगली वैलिड नहीं मानी जाएंगी। आई होप फ्रेंड्स ये बात आप लोगों को क्लियर होती है कि पहले जो 2 डिग्रीज कर रखी हैं एक साथ वो अभी भी इनवैलिड हैं। नेक्स्ट है पीएचडी प्रोग्राम, अगर आप कर रहे हैं तो आप 2 डिग्रीज एक साथ नहीं कर सकते। पीएचडी प्रोग्राम को छोड़ के बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, एमए करो, एमएससी करो, एमएससी के साथ बीए करो, यार कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन पीएचडी कर रहे हैं तो 2 कोर्सेज आप एक साथ नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स ये कुछ गाइडलाइंस थी इम्पोर्टेंट, अगर आपको 2 डिग्रीज एक साथ करनी है, यूजीसी की तरफ से बिल्कुल ऑफिशियल गाइडलाइंस थी जिनको हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, तो नीचे आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप की हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर भी मैसेज करके हमसे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ यार आप कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि यूजीसी का ये जो डिसीजन है आपको कैसा लगा, मतलब स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, जो भी आपकी राय है आप कमेंट्स में जरूर दीजिए और ड्यूबडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।